ग्रेट। वेल फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ हेयर क्रीम का रिव्यू एंड डेमो शेयर करने जा रही हूँ। एंड ये ब्रांड है हिमालय ब्रांड का एंटी हेयर फॉल क्रीम। ये जो क्रीम है ये दावा करता है कि आपके बालों का झड़ना जो है वो रोकेगा, रिड्यूस करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स उसकी पैकेजिंग देख लेते हैं एंड मेरा जो रिव्यू है एंड जो डेमो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हिमालय ब्रांड के एंटी हेयर फॉल क्रीम के बारे में। अगर आपको एक हेयर मास्क चाहिए जो कि अफोर्डेबल भी हो एंड अच्छी क्वालिटी का हो, देन यू कैन गो फॉर इट। हिमालय ब्रांड का है एंड आपको खाली 80 रुपीज पे करना पड़ेगा एंड यू विल गेट 100 ml की क्वांटिटी। आई डोंट थिंक कि फ्रेंड्स आपको इससे ज़्यादा अफोर्डेबल हेयर मास्क कहीं मिल पाएगा। ये जो हेयर क्रीम है ये क्लेम करता है कि ये आपके बालों का झड़ना जो है वो ये रोकता है, रिड्यूस करता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ये जो क्रीम है अभी तक खाली 2 बार यूज़ किया है एंड 2 बार में मुझे इतना ज़्यादा इफेक्टिव जो रिजल्ट है वो मुझे देखने को नहीं मिला है। बट अगर आप ये रेगुलरली यूज़ करते हैं हफ्ते में 2 बार मिनिमम 1 मंथ के लिए, तो आपको डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसकी जो पैकेजिंग है वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस टाइप के प्लास्टिक के कंटेनर में आता है जिसमें कि डबल लिड दी गई है। इसका जो फॉर्मूला है, जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ही थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी में है। जैसा कि जो कंडीशनर होता है ठीक वैसी कंसिस्टेंसी में है। ये वाइट कलर में है एंड इसमें जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपके बालों में कुछ देर तक बना रहता है। ये देखिए, ये है इसका फॉर्मूला। यू नो फ्रेंड्स, मेरे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी है एंड बहुत ही जल्दी ये जो रूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी मेरे बाल इस टाइप के दिख रहे हैं आपको एंड बहुत ज़्यादा हेयर फॉल जो है वो मुझे नहीं है, थोड़ा बहुत हेयर फॉल है। तो मैंने ये जो हेयर क्रीम है वो मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी, देन मैं आपको दिखाऊँगी आफ्टर वॉश मेरा जो बालों का जो लुक है वो कैसा होगा। ये जो क्रीम है इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है भृंगराज एंड आंवला। कंपनी ने ये क्लेम किया है कि इसमें भृंगराज एंड आंवला की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो इसमें मौजूद है। ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, ये मैं नहीं कहूँगी। इसमें थोड़ा बहुत केमिकल है बट ये आपके बालों के लिए अच्छा है। एंड यू नो फ्रेंड्स, ये काफ़ी थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी में है। मेरे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है बट 100 ml की जो क्वांटिटी है वो मेरे बालों में पूरा लग जाएगा। एंड इसको अप्लाई करने के बाद आपको अपने बालों में 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करना होगा, देन आपको छोड़ देना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात मेंशन कर दूँ फ्रेंड्स कि पहले मैंने अपने बालों में शैम्पू कर लिया था, क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद मेरे बाल जब ड्राई हो गए थे तब मैंने नेक्स्ट डे ये जो क्रीम है वो मैंने अप्लाई किया है। आपको अपने क्लीन बालों में इसको अप्लाई करना है। वैसे इसमें बताया गया कि शैम्पू के पहले एंड बाद में आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं पहले नहीं करती हूँ, मैं शैम्पू के बाद में इसको अप्लाई करती हूँ, वो भी नेक्स्ट डे। यू नो फ्रेंड्स, हिमालय मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छे देते हैं। मैं इससे पहले भी हिमालय ब्रांड के काफ़ी प्रोडक्ट्स का जो रिव्यू है अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। एंड ये देखिए, मैंने पूरे बालों में ये जो हेयर क्रीम है वो मैंने अप्लाई कर लिया है एंड मैंने हल्का सा मैंने छोटा सा बन बना लिया है एंड पूरा जो कंटेनर है वो खाली हो गया है, मेरे बालों में लग गया है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो मे बी आपको 2 जो कंटेनर है वो आपको यूज़ करना होगा। 45 to 50 मिनट तक आपको अपने बालों में रखना है ये। मैंने इसको टोटल 1 घंटे तक अपने बालों में रखा था, देन मैंने किचन का थोड़ा बहुत काम किया था। और ये देखिए, पूरा जो क्रीम है वो मेरे बालों में एब्सॉर्ब हो गया है एंड इस क्रीम के अंदर एक ऑयल है जो कि मेरे बालों में आपको दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल है वो मेरे बालों में आ गया है, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है। वॉश करने के लिए मैंने कोई भी शैम्पू अप्लाई नहीं किया है, मैंने नॉर्मली पानी के थ्रू वॉश किया है एंड ईजिली ये जो क्रीम है वो मेरे बालों से निकल गया है। वॉश करने के टाइम मेरे इतने बाल टूटे थे एंड जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बट जब मैं कॉम्ब कर रही हूँ, कॉम्बिंग के टाइम मेरे बालों का टूटना जो है वो उसने रोक दिया है। एंड मैंने खाली अभी तक ये जो क्रीम है 2 बार यूज़ किया है एंड ये है मेरे बालों का लुक आफ्टर ड्राई। बहुत ज़्यादा फ्रिजी लग रहे होंगे आप
आपको, मतलब फूले फूले लग रहे होंगे आपको, बट जब मैं कॉम्ब कर रही हूँ तो बाल बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं एंड मेरे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गए हैं, लाइट वेटेड हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, शाइनिंग करने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछें तो ये जो क्रीम है ये ओके प्रोडक्ट है। अगर आप ये हफ्ते में दो बार कंटिन्यू 1 मंथ तक यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके बालों का जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं जाकर रोकेगा, रिड्यूस करेगा। बट अगर आप सोचें कि एक या दो बार के यूज़ करने के बाद आपको कोई प्रॉपर रिजल्ट मिले तो ये वैसा नहीं दे पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आज तक कभी भी कोई हेयर क्रीम या फिर हेयर मास्क अप्लाई नहीं किया है तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है या फिर इसका जो प्रोटीन हेयर क्रीम आता है वो आप मंगवा कर ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ये आपके बालों को लाइट वेटेड बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा एंड आफ्टर रेगुलर यूज़ ये आपके बालों की हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी कम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा आज का रिव्यू वीडियो अबाउट दिस प्रोडक्ट। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, ये प्रोडक्ट का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।